हमेशा विवादों में रहने वाले कालाढूंगे विधायक बंशीधर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपने विवादित बयान को लेकर एक बार फिर अपनी ही पार्टी के लिए किरकिरी बन गए हैं। जी हां, उन्होंने महिलाओं, बालिकाओं और भगवान पर ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर कार्यक्रम में बैठा हुआ जनमानस हक्का बक्का रह गया। वहीं उनके विवादित बयान के कारण उन पर कई प्रश्न चिन्ह भी अब खड़े हो गए हैं। अपनी जुबान को लेकर हमेशा से विवादित रहने वाले कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत को बोलो को सुनकर कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में महिलाएं, बालिकाएं, पुरुष हक्का बक्का रह गए। उस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मौजूद थीं। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं और बालिकाएं पहुंची थीं। इस दौरान बंशीधर भगत ने जैसे ही माइक संभाला तो उन्होंने अपने बयान में बेबाक और फजूल बोलना शुरू कर दिया। जहां पूरे देश में महिलाओं और बालिकाओं का हमेशा सम्मान होता है, वहीं बंशीधर भगत कुछ इस तरह बोले कि जिसे सुनकर लोग हक्का बक्का रह गए। एक तरफ बंशीधर भगत प्रधानमंत्री मोदी के महिला सशक्तिकरण और उपलब्धियों का बखान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं और बालिकाओं को लेकर इस तरह की बात की जिसको करते वक्त वे भूल गए कि वह एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य करते हैं और अपने क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधायक भी हैं। गौरतलब है कि बंशीधर भगत हमेशा से ही अपने विवादित बयानों की वजह से जाने जाते हैं। पूर्व में भी कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जिसकी वजह से उनकी और उनकी पार्टी की हमेशा किरकिरी होती रहती है। हल्द्वानी उत्तराखंड से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।